प्यारे सहपाठी हैं, आज आपके सामने एक नई शुरुआत के साथ एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं हम। इस लेसन के बारे में, इस प्रकरण के बारे में हमने पूर्व में जानकारी दी थी जब हमारी क्लास ऑफलाइन थी, लेकिन इस कोरोना काल के कारण उसी क्वेश्चन को हम आज ऑनलाइन रूप में आपको बतलाएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो सूरदास का है। सूरदास हिंदी साहित्य के ऐसे कवि माने जाते हैं जो अपनी भक्ति परंपरा में विशिष्ट स्थान रखते हैं। सूरदास को भक्ति काल का सूर्य कहा जाता है, भक्ति काल का सूर्य कहा जाता है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। ये अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। और जिस प्रकार वो अंधे थे, उस अंधता के कारण भी इन्होंने अपना काव्य इतना सुंदर, इतना सजीव बनाया कि ऐसा वर्णन हिंदी साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। सूरदास अष्टछाप के जो कवि थे, हिंदी साहित्य में अष्टछाप के कवि थे, उन कवियों में से एक है। सूरदास पुष्टिमार्गीय कवि है, पुष्टिमार्गीय कवि है। और इन्होंने अपनी भक्ति के द्वारा श्री कृष्ण का बड़ा ही मनोहर सुंदर चित्रण किया है। तो हम सबसे पहले सूरदास के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरदास का जन्म सम्वत 1540 समर्थ है, ध्यान रखना, समर्थ 1540, मृत्यु समर्थ 1620 के अंदर हुई थी। सूरदास की जो रचनाएं हैं वो रचनाओं में उनका संकलन है, उनके गीतों का, उनके कवितों का, जिनमें प्रमुख है सूर सागर, सूर सरावनी, साहित्य लहरी, नंद दमयंती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं के भाग है। इन्हीं रचनाओं में इनके गीत और इनकी काव्य रचनाएं लिखी गई है। सूरसागर जो इनकी कृति है वो हिंदी साहित्य में बहुत ही विशिष्ट स्थान, भक्ति काल में विशिष्ट स्थान रखती है। इनकी काव्य की या काव्य की शोभा जो है वो सूरसागर के द्वारा ही मानी जाती है। तो प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूर सरावनी, साहित्य लहरी, नंद दमयंती है। फिर हम देखते हैं इसके आगे, सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के सकल भक्ति शाखा के महान कवि हैं। भक्ति काल में आपको पता है कि दो धाराएं चलती है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण का मतलब साकार, निर्गुण का मतलब जिसका आकार नहीं है। तो सूरदास जो है वो सगुण भक्ति शाखा के धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कृष्ण की उपासना की है,
कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है, कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। फिर देखो क्या लिखा है हमने, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रमुख रूप से पद सम्मिलित किए गए हैं उन पदों के अंदर वो पद कौन कौन से हैं और वो किस विषय से संबंधित है उसके बारे में भी बतलाया गया है। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पदों में कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं उनके बारे में, कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है, उनकी जो बांसुरी है उसके प्रति जो प्रेम है उसके बारे में, और कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन है, यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, माता यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसका वर्णन है, और गोपियों का उपालन मतलब उलाहना उसका भी वर्णन प्रस्तुत पदों में हमारी पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है उनका वर्णन किया गया है। फिर हमने लिखा है कि सूरदास एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कल्पना और प्रतिभा के द्वारा कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर, बहुत ही सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है, बहुत सुंदर सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। इस प्रकार सूरदास ने भक्ति के साथ साथ भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़ दिया, मतलब कृष्ण की भक्ति तो की है लेकिन साथ साथ उनके रूप सौंदर्य उनके श्रृंगार का भी वर्णन करके संयोग और विरोध पक्षों का जैसा वर्णन किया है ऐसा अन्यत्र हिंदी साहित्य के इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। मतलब संयोग और विरोध का मिश्रण किया है सूरदास अपनी रचनाओं के, कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, कृष्ण का मथुरा की गलियों में जो जीवन जिया है उस जीवन या उस वहां के लालन पालन का सजीव वर्णन सूरदास ने अपनी काव्य रचना में किया है। सूरदास कहते हैं कि जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, लेकिन कृष्ण का इतना सुंदर सजीव वर्णन किया है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सूरदास की जो भाषा है वो मुख्य रूप से ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा के अंदर ही इन्होंने अपनी काव्य रचना लिखी। ब्रज भाषा का जितना माधुर्य भाव हमें सूर के काव्य में मिलता है उतना माधुर्य हमें किसी भी काव्य में देखने को नहीं मिलता है। सूरदास श्री कृष्ण से अपनी याचनाएं करते हैं, अपना सब कुछ उन्हीं को मानते हैं और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का भी अपने उस प्रभु के सामने अपना प्रस्ताव या अपनी समस्याओं को प्रकट करते हैं और उस दीनहीन भाव से अपनी याचनाओं को प्रकट करके श्री कृष्ण की भक्ति की उनकी उपासना की है
और कृष्ण के प्रति जो अपना श्रद्धा का जो भाव है उस भाव को उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत अपनी काव्य रचना में जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, जिसके अंदर कृष्ण का जो बाल रूप है उस बाल रूप का बहुत ही सजीव चित्रण किया है, जिसमें सूरदास कहते हैं कि कृष्ण जो है वो नंद बाबा के आंगन में जब वो बाल रूप में होते हैं तो बड़े ही सुंदर ढंग से क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनका घुटनों के बल चलना, फिर गिरना, फिर उठना, उसका जो उस समय का जो दृश्य है उसका बड़ा ही मनोहारी सुंदर ढंग से चित्रण किया है, जिसमें वो बतलाते हैं कि कृष्ण गिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और उनकी कमर के ऊपर जो काली डोरी बांधी हुई है, कमर कटी बांधी हुई है, वो बहुत ही सुंदर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं और जैसे वो उठते हैं गिरते हैं तो उसकी जो आवाज है बड़ी ही मनमोहक लगती है। जब कृष्ण के ऊपर धूप गिरती है तो उनकी छाया का प्रतिबिंब उस आंगन में गिरता है तो कृष्ण जो है अपने बाल रूप में बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और अपने ही छाया को पकड़ने के लिए बार बार प्रयास करते हैं। तो वो जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है। उस दृश्य को देख के वे माता यशोदा भी बड़ी प्रस्फुल्लित या आनंदमय होती है, उनके चेहरे की क्रांति बहुत ही सुंदर लगती है। तो इन्हीं का यहाँ पर सूरदास ने वर्णन किया है। दूसरा वर्णन जो है वो कवि का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का मुरली के प्रति जो प्रेम है उसको दिखलाया है और उसमें गोपिकाएं जो है उस मुरली को उपालम देती है और कहती है ये तो कृष्ण की पत्नी ही है जो इन्हें कभी नहीं छोड़ी। हम इतनी कोशिशें कर चुकी है, इतना श्री कृष्ण को लालच दे चुके हैं कि वो हमारे पास आ भी नहीं है और ये जो मुरली है जो कृष्ण का साथ ही नहीं छोड़ती है। तो ऐसे उपालम भी बड़े ही सुंदर सजीव उन पदों में लगते हैं और इन उपालमों के द्वारा सूरदास का जो कार्य है ऐसा ही सजीव प्रतीत होने लगता है। उसी के बाद यहां पर कृष्ण का जो सुंदर रूप है उसका भी वर्णन किया है सूरदास ने। सूरदास बताते हैं कि गले में पुष्पों की हार लगी हुई है, कमर के अंदर कंठी बंधी है या कमर कटी बंधी है जिसमें घुंघरू बंधे हुए हैं, तो कृष्ण जब चलते हैं तो उसकी आवाज बड़ी मनमोहक लगती है। और एक पीला पीतांबर पहना है श्री कृष्ण ने, वो भी बड़ा मनमोहक लगता है। सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। तो ऐसे सुंदर सुंदर सजीव चित्रण श्री कृष्ण का सूरदास ने अपने काव्य में बड़ा ही वर्णन किया है सजीव रूप से। और वो
सूरदास को बड़ा ही मनमोहक लगता है। उन मनोहारी दृश्य को ही सूरदास ने अपने काव्य के अंदर उसको लिखा, उसको अपनी लेखनी के अंदर बांधा और उस लेखनी के द्वारा हमारे सामने उसको प्रस्तुत किया। सूरदास ने अपने काव्य के अंदर कृष्ण के संयोग पक्ष और वियोग पक्ष दोनों का, सुखदायी और कष्टदायी दोनों पक्षों का भी बड़ा ही सुंदर सजीव वर्णन किया है। जब कृष्ण गोपी से दूर चले जाते हैं तो गोपियों का जो वियोग वर्णन है वो सूरदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। वियोग वर्णन में गोपियों की क्या स्थिति होती है, क्या क्या चेष्टाएं वो करती है, तो उन सभी का बड़ा ही मार्मिक रूप से हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। आगे हम चलते हैं, हमने इनकी भाषा के ऊपर भी बात कर ली कि पश्चिम बंगाली कवि है और इनकी जो भाषा है मुख्य रूप से ब्रज की भाषा है। अब हम इस सूरदास नामक प्रकरण का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत सुंदर ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में सूरदास जो है वो प्रमुख रूप से पूछिए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसको नोट कीजिए। इसमें लिखें, प्रश्न है वात्सल्य तथा प्रेम वर्णन में, वात्सल्य तथा प्रेम वर्णन में सुर ने महारत हासिल की है, सुर ने महारत हासिल की है, कथन की समीक्षा कीजिए, कथन की समीक्षा कीजिए। अथवा करके लिखे, सुर के पदों में कृष्ण का, नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा करके लिखे, सुर के पदों में कृष्ण का जो बाल रूप चित्रित हुआ है उसे अपनी भाषा में स्पष्ट कीजिए, उसे अपनी भाषा में स्पष्ट कीजिए। तो लिखे अपनी लेखनी के द्वारा, नोटबुक में लिखे, जल्दी से उत्तर लिखे। सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के संपूर्ण जीवन को, संपूर्ण जीवन को आधार नहीं बनाया है, आधार नहीं बनाया है और न ही उनके जीवन के विविध पहलुओं का ही, जीवन के विविध पहलुओं का ही चित्रण किया है, उन्होंने तो बाल्य का और यौवन का को ही आधार बनाकर वात्सल्य व श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस का निरूपण किया है। सुर ने बाल लीला
वह बाल स्वरूप का जैसा मनोहर चित्रण किया है वैसा हिंदी साहित्य में कोई और नहीं कर पाया है, कोई और नहीं कर पाया है। अब फर्स्ट हेडिंग डालें श्रृंगार वर्णन, फर्स्ट हेडिंग डालें श्रृंगार वर्णन। इसमें देखें श्री कृष्ण सुंदरता के सागर है और वे गोपियों के लिए प्रेम और चर्चा का विषय बन जाता है और वे कहती है देखो सखी कृष्ण तो सुंदरता के सागर है और इस सागर का कोई अंत नहीं है और हम अत्यंत प्रेममयी होकर उनके प्रेम में हार गई है, उनके प्रेम में हार गई है। सेकंड पॉइंट लिखे दूरदृष्टि, सेकंड लिखे दूरदृष्टि। इसमें लिखे बाल वर्णन में सूरदास की दृष्टि पहली थी बालक की छोटी से छोटी क्रिया भी उनकी दृष्टि से नहीं बच पाई, मतलब कहने का मतलब उनकी जो नजर थी वो इतनी सटीक थी कि श्री कृष्ण के छोटे से छोटे रूप या कोई भी क्रिया है वो क्रिया उनकी नजरों से बच नहीं पाई। प्रत्येक क्रियाओं को सूरदास ने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। वे उपयुक्त पद में वर्णित नंद के आंगन में क्रीड़ा करते हैं, फिर यशोदा के पालने में लेटकर अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हैं, अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार देवताओं व मुनियों से भी दुर्लभ सुख को माता यशोदा प्राप्त करती है। जैसा सुख कृष्ण की माता यशोदा को मिला कुछ वैसा ही सुख प्रत्येक माता को अपने पुत्र को पालने में झुलाते हुए मिलता है। कहने का मतलब यह है कि
सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना सुंदर वर्णन किया है जो बहुत कम साहित्यकारों ने ऐसा वर्णन या कवियों ने किया होगा। दूसरी बात इसमें एक थी, सूरदास कहते हैं कि कृष्ण यशोदा के पालने में झूल रहे हैं और अपनी चतुराई का प्रदर्शन भी कर रहे हैं और झुलाते हुए उनको ऐसा यश प्राप्त होता है, ऐसा सुख प्राप्त होता है जो ऋषि मुनियों को भी कठिन तपस्या करने के बावजूद भी नहीं मिलता, वैसा सुख जो है वो श्री कृष्ण या माता यशोदा को स्वतही रूप से मिल जाता है। नेक्स्ट लिखें पॉइंट, कृष्ण का आलंकारिक चित्रण। कृष्ण का आलंकारिक चित्रण इसमें लिखें, बालक कृष्ण घुटनों के बल नंद बाबा के आंगन में चलने लगे हैं। कभी वे अपनी छाया को पकड़ते हैं और हंसते हैं, आंगन में अपने ही मुख के प्रतिबिंब को देखकर कृष्ण उसे पकड़ने की इच्छा रखते हैं। उनके किलकने से उनके दूध के दांत झलक पड़ते हैं। कवि की इस प्रवणता कौमा कृष्ण की चतुरता को सुर ने बड़े ही आलंकारिक रूप से अपने काव्य में वर्णन किया है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, आप सुर का वियोग वर्ण इसमें लिखे, आप इनका वियोग वर्णन भी व्यापक व विस्तृत है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती है वे सब उसके भीतर मौजूद है। इसका आरंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। दोबारा बोल देता हूं, इसका आरंभ वात्सल्य रस के वियोग पक्ष से हुआ है। उद्धव जी उद्धव जी कंस के आमंत्रण से कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। कृष्ण और बलराम को उनके साथ जाते देखकर
माता यशोदा बिलख पड़ती है। देखो सुर का वियोग बना है ना, वियोग का मतलब बिछड़ना, अलग हो जाना। अब श्री कृष्ण जो है वो कंस का आमंत्रण हो गया, तो उद्धव जी के साथ जो है वो चले जाते हैं, जिसके कारण माता यशोदा जो है उनको बहुत ही दुख की भावना जागृत होती है या दुख होता है, और वह उस दुख के कारण इतनी बिलखती है, इतनी रोती है, जिसका सजीव चित्रण सूरदास ने अपने काव्य में किया है। आगे लिखे आप, इसी क्रम में उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सुर का काव्य भाव प्रदान है, वात्सल्य तथा प्रेम वर्णन में सुर बेजोड़ है। सुर का मतलब सूरदास, सुर बेजोड़ है। वात्सल्य वर्णन में तो सुर का विश्व साहित्य में कोई सानी नहीं है, कोई सानी मतलब कोई बराबर नहीं है। बाल मनोविज्ञान का अंधे सूरदास को कितना गहरा ज्ञान था, इसका अनुमान उनके बाल लीलाओं से संबद्ध पदों को पढ़कर लगाया जा सकता है। कहने का मतलब कि सूरदास को बाल मनोविज्ञान का इतना ज्ञान था, उस ज्ञान का पता हमें उनसे संबंधित जो पद है उन्हीं से लगाया जा सकता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण भी सुर के काव्य में विस्तार रूप में मिलता है। तो ये हो गया आपका सूरदास से संबंधित क्वेश्चन। सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, या तो सुर श्रृंगार के काव्य में या वात्सल्य प्रेम में बेजोड़ है कथन की व्याख्या कीजिए, या पूछा जा सकता है कि सुर ने अपने पदों में श्री कृष्ण का बाल रूप का जो वर्णन किया है उसकी व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन कैसा ही आए, आपको केवल उस क्वेश्चन को सही ढंग से समझना है, फिर उसका उत्तर लिखना है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सूरदास जो अपने काव्य के अंदर अपनी पाठ्य पुस्तक में संकलित जो इनके पद है वो जरूर समझ में आए होंगे। इसमें उन्होंने, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि कृष्ण की बाल लीलाओं का, कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम, माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम और गोपियों का उत्पादन, इससे संबंधित अपने पदों में इन पदों को संकलित किया गया है, इसमें इनका वर्णन हुआ है। इसी आशा के साथ हम आज की क्लास, अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।